काउंटर कर दिया गया आरोपियों का, क्योंकि उस लड़की को जिंदा जला दिया था उन लोगों ने। उसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल था, हैदराबाद से लेकर देश के किसी भी कोने की तस्वीरें उस दिन की देख लीजिए। इसी वजह से कि क्या न्याय जल्दी मिले, इस तरह की व्यवस्था भी होना चाहिए ताकि कम से कम न्याय तंत्र में, न्यायपालिका में हमारा भरोसा बना रहे। लेकिन उसके पहले सुनील जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब चूंकि पोस्टमार्टम के लिए इनके शवों को लेकर जाया जाएगा दूसरे दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, शवों को सौंपने की कोशिश की जाएगी, मैं चाहती हूं कि जरा इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि अब यहां से आगे क्या होगा। सुनील गुप्ता जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? चले सुनील गुप्ता जी, जी 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 सुनील गुप्ता जी, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, इसमें क्या है कि बॉडी जैसे डीडीयू में चली गई होगी, अब डीडीयू में जाने के बाद वहाँ पे इसका पोस्टमार्टम होगा। जैसे डॉक्टर करीब 8:30-9 बजे करीब आते हैं तो पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद जो है आप लगा लें उसमें 1-2 घंटे लग जाते हैं पोस्टमार्टम करने में। उसके बाद बॉडी जो है इनके घर वालों को सौंप दी जाएगी और इनका जो आगे का जो क्रीमेशन वगैरह है वो इनकी फैमिली करेगी। उनसे जो है फैमिली से एक बॉन्ड ये भरवा लेते हैं कि आप इस बॉडी को जो है अनड्यूली को डिस्प्ले नहीं करेंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ये बॉन्ड लेके बॉडी उनके घर वालों को दे दी जाती है और उनके घर वाले आगे उसका क्रीमेशन करते हैं। तो इन चारों के मामले में भी ये प्रक्रिया क्या पूरी कर ली गई होगी? ये हाँ, यहाँ जहाँ तक जेल का पार्ट है, मुझे लग रहा है कि जेल में तो जब मेडिकल ऑफिसर लिख के दे देता है कि लाइफ डोंट एग्जिस्ट, उसके बाद जो है उनकी बॉडी को जो है यहाँ पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज दिया जाता है। और मुझे लग रहा है कि इनकी बॉडी, जैसे आप पहले बता रहे थे कि 8:30-8 बजे इनका पोस्टमार्टम होगा, तो जेल से उन्होंने बॉडी शायद निकाल दी होंगी। और अगर परिवार वाले पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लेने को तैयार नहीं होते हैं तो अंतिम संस्कार की फिर क्या प्रक्रिया होती है? हाँ, तब कानून के हिसाब से फिर जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलके बॉडी का डिस्पोजल करते हैं, वो क्रिमेट करते हैं। ये तिहाड़ जेल के अंदर ही होगा? और ये मैं अभी सुन रहा था कि नहीं, तिहाड़ जेल के अंदर होने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि बॉडी को अगर आप क्रिमेट करते हो आपको उस जगह को जो है अंडर दी जो साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रूल्स हैं उस जगह को क्रिमेशन के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो तिहाड़ जेल के अंदर तो ये नहीं कर सकते। एक बार हमने किया था तिहाड़ जेल में, उसके लिए हमने अप्रूवल ली थी कॉर्पोरेशन से, तो अब ऐसे कॉर्पोरेशन से कोई अप्रूवल नहीं लिया। और तिहाड़ जेल में तो खाली उन्हीं का होता है जो मैक्सिमम रिस्क प्रिजनर होते हैं उनका होता है, इसका तो कोई होने का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता कि तिहाड़ के बाहर ही होगा। मैक्सिमम रिस्क प्रिजनर मतलब ये कि जिनके शव को बाहर लेकर आकर उसे हंगामा मचने की स्थिति पैदा हो सकती है या फिर कुछ और, इसका जिक्र कर रहे हैं सुनील जी आप? हाँ, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अफजल गुरु है, उनका जो है जेल के अंदर ही उनका अफजल गुरु का जेल के अंदर ही उनको दफनाया गया था। ऐसे ही मोहम्मद मकबूल भट्ट है, उनको भी जेल के अंदर दफनाया गया था। इसके अलावा सतवंत सिंह, केहर सिंह जो इंदिरा गांधी के किलर थे, उनको हमने SDMC की परमिशन लेके, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की परमिशन लेके उनको जेल प्रीमिसेस में जलाया था। और उनका फिर आगे जो अस्थि प्रवाह भी है वो जेल प्रशासन करके आया था पुलिस वालों के साथ मिलके। जिन लोगों का आपने नाम किया है, अफजल गुरु 2013 में फांसी दी गई, सतवंत सिंह, केहर सिंह को 1989 में फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, 1983 में मोहम्मद मकबूल भट्ट को फांसी पर लटकाया गया था। इसके अलावा भी मैं बता देती हूं, करतार सिंह, उजागर सिंह को 1985 में फांसी दी गई थी इसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में, 1982 में रंगा बिल्ला को फांसी दी गई थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब चार दोषियों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया है तिहाड़ जेल में, पहली बार तिहाड़ जेल के इतिहास में ऐसा हुआ है। अब जल्दी से मैं चिराग एक बार फिर से आपका रुख करूं, लेकिन उसके पहले गीता भट्ट जी, आधी रात तक भी हमने देखा एक लंबा संघर्ष चला मां बाप का, जिसके बाद न्याय की प्रक्रिया पूरी हुई और फिर इंसाफ मिला उन लोगों को। लेकिन कम से कम इस देश की न्याय व्यवस्था में अब इस बात का भरोसा बंधेगा
ये देखिए आधी रात को ही सही, लेकिन इस देश की जो शीर्ष अदालत है उसका दरवाजा भी खुलता है और वहां से न्याय मिलने में देरी नहीं होती है। जी चित्रा जी, जैसे कि रात को भी इस विषय पे बात कर रहे थे और पूरी रात लोग जागते रहे हैं और देखते रहे हैं, कई बल्कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी अगर आपने देखा होगा, आपस में भी जो कई ग्रुप्स हैं उनमें भी इसी विषय को लेकर जो बात चल रही थी, और आपने जैसे हैदराबाद का भी विषय अभी उठाया था, तो कहीं ना कहीं जो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, हाँ कई जो ऐसे प्रावधान हैं भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उसमें कई प्रकार से जो ये थोड़ी देरी हो जाती है, जो ढिलाई कई बार देखी गई है हो गई है, उसके बाद जो आज जो एक न्याय मिला निर्भया को, उससे एक आशा की किरण ये जागी है सबके मन में कि कहीं ना कहीं चाहे देर हो लेकिन ऐसा नहीं है कि अंधेर है, जो जो भी दोषी है उसको अंत में सजा होती होती है। और कहीं ना कहीं जो आपने हैदराबाद का जो उल्लेख किया, हैदराबाद की जो घटना का, उसमें आप देखेंगे तो उसकी जो प्रतिक्रिया आई समाज से, कि हालांकि वो उसमें कितनी वो सही थी, पर एक जो प्रतिक्रिया थी कि हाँ एक तरह से जो उसी समय जो न्याय मिल गया, उस जिस इतनी घृणित जो कार्य जला दिया गया उसको, उसका साथ बलात्कार करने के बाद, तो उसको लोगों को कहीं ना कहीं जो ये निर्भया का जो केस था उसमें जो एक इतने लंबे समय तक चल रहा था और बार बार जो जितने भी प्रावधान है उन्हें जिस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, बिल्कुल, तो वो भी एक रोष था लोगों के अंदर कि क्योंकि इतनी समय लगता है, तो इस ये भी एक कारण था कि समाज की इस प्रकार की प्रतिक्रिया आई थी। और इस पूरे मामले पर हैदराबाद का मामला भी जब सामने आया था, तो उस दौरान मैं वहां पर गई दो बार और उस पीड़ित परिवार से भी मैंने बात की थी। जब उनको न्याय मिल गया, पुलिस ने एनकाउंटर किया, देश भर में जश्न मनाया गया, परिवार वालों ने राहत की सांस ली, तो उनके पिता की ओर से, जो हैदराबाद की निर्भया थी, उनके पिता की ओर से मुझसे ये कहा गया था कि अब मैं चाहता हूं कि निर्भया की मां को भी इंसाफ मिले और जल्द मिले। आज कम से कम इंसाफ का वो दिन सामने आया, 20 मार्च 2020 हमेशा बेटियों के लिए एक नजीर बनेगा, एक ऐसी तारीख है ये जब हमारी आवाज और ज्यादा मुखर हुई है। निर्भया का मतलब निडर होता है, निडरता के